हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज़ किचन। आई होप कि आप सब हेल्दी हैं। आज का रेसिपी जो मैं बनाने वाली हूँ वो है गोभी मंचूरियन। ये एक स्टार्टर रेसिपी है, छोटे से लेके बड़े सारे लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आता है। इसे हम पार्टी स्टार्टर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही झटपट और ईजिली बन जाने वाली एक रेसिपी है और वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन जो दोस्तों हैं मेरे, वो सारे इसे बना के खा के टेस्ट करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज का गोभी को छोटा छोटा टुकड़ों में कट करके लेके ले लिया है। उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करके मैंने गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के गोभी को थोड़ा सा ब्लांच करके ले लिया है। ब्लांच करके मतलब 30 सेकेंड्स के लिए गर्म पानी में उबाल के मैंने ले लिया है। ये पूरा बॉयल तो नहीं हुआ है लेकिन 30% हो गया है और जितना भी इसमें गंदगी होता है ना तो वो सारे निकल जाता है। उसका सारा पानी झड़ा के मैंने ले लिया है। उसमें मैंने ऐड किया है सबसे पहले 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच नमक, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच सनफ्लावर ऑयल। इसके साथ ही मैं इसमें 1 अंडे को फोड़ के डाल दूंगी। आप ये अंडा जो है इसे स्किप कर सकते हैं। ये डालेंगे तो इससे कुछ अलग टेस्ट तो नहीं आएगा, पकोड़े जो है थोड़ा सॉफ्ट बनेगा। जो वेजिटेरियन है वो ये अंडे का पोर्शन जो है वो स्किप कर सकते हैं और उसे कोई भी चीज़ के साथ रिप्लेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब सारे चीज़ों को गोभी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अगर पानी का ज़रूरत लगे तो हल्का सा छींटा पानी का आप डाल सकते हैं, नहीं तो पानी का ज़रूरत नहीं होगा। मुझे पानी का ज़रूरत नहीं हुआ है, जो अंडा मैंने डाला था उसी से ये जो हल्का सा कोटिंग है गोभी के ऊपर वो बन के रेडी हो गया है। गोभी का मैरिनेशन रेडी है और गोभी फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। गैस ऑन करके मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें मैंने ले लिया है खूब सारा सनफ्लावर ऑयल। मुझे सारे गोभी को डीप फ्राई करना है तो उस हिसाब से मैंने ऑयल लिया है। ऑयल हीट हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद मैंने एक एक करके सारे गोभी का टुकड़ा जो है वो तेल में छोड़ दिया है। आप एकदम तेल में ज़्यादा करके गोभी डाल के फ्राई कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करना होगा। जितना अटेगा तेल में उतना आप दे सकते हैं। गोभी ज़्यादा हो तो आप 2 बैचेस में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि आप 4-5 पकौड़ा ही एक टाइम में तल सकते हैं। आप भर के पकौड़ा तल सकते हैं। ये अगर स्टार्टिंग में चिपका हुआ लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना ये फ्राई होगा ये एक दूसरे से छूट जाएगा और एकदम अलग अलग पकौड़े बन के रेडी हो जाएगा। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम में इसे हमें फ्राई करना है और एकदम डीप गोल्डन ब्राउन होने तक गोभी को फ्राई करके हमें ले लेना है। देखिए जैसे जैसे ये फ्राई होता जा रहा है ये पकोड़े जो है जो चिपका गया था वो सारे एक दूसरे से अलग हो गया है। सारे पकोड़े जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन होके फ्राई हो गया है। अब एक छन्नी के हेल्प से सारे पकोड़े को तेल से छान करके मैं एक अलग बर्तन में उठा के रख देती हूँ। पहला बैच का पकोड़े मेरा फ्राई होके एकदम रेडी हो गया है। अब मैं सेकेंड बैच का जो पकोड़े है उसे भी सेम तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके ले लूँगी। इसमें देख सकते हैं ना कोई तामझाम नहीं है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है और बहुत जल्दी हो जाता है। गोभी के पकोड़े जो है वो भी जल्दी ही फ्राई हो जाता है और इसे बनाने में बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता। बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है और स्टार्टर के हिसाब से घर में अगर छोटा मोटा पार्टी आप थ्रो करते हैं ना तो अपने गेस्ट को बना के खिला सकते हैं। बन भी जाएगा जल्दी और एक बढ़िया सा ऑप्शन है स्टार्टर में
सर्व करने के लिए। सारे पकौड़े तल करके रेडी हो गया है। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं ले लेती हूँ 3 बड़ा चम्मच सनफ्लावर का ऑयल। ऑयल को बहुत अच्छे से हीट करना है, एकदम हाई फ्लेम में। अच्छे से ऑयल हीट हो जाए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 से 5 लहसुन के कलिए को फाइन चॉप करके रख दिया था, उसे मैं डाल दूंगी तेल में। देखिए गोल्डन होने तक लहसुन को फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज फाइनली चॉप किया हुआ। प्याज को हल्का सा पिंक कर लेंगे, ट्रांसलूसेंट सा कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, बस पिंकिश हो जाएगा तो फिर उसमें हम डालेंगे दूसरा इंग्रेडिएंट्स। गोभी मंचूरियन के जो वेजिटेबल्स होता है जैसे कैप्सिकम, प्याज वगैरह, ये इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस होना चाहिए। ये 100% बॉयल होने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए पिंक हो गया है जो प्याज है, वो हल्का हल्का गोल्डन कलर आना स्टार्ट हुआ है, ट्रांसलूसेंट हो गया है प्याज। अब इस स्टेज में हम ऐड करेंगे और वेजिटेबल्स। एक बार प्याज को अच्छे से चला लेंगे और अब ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के जो मिर्चा है, मीडियम नहीं, 3 हरे मिर्चे को मैंने चॉप करके रखा था। आधा ग्रीन कैप्सिकम को चॉप कर लिया है और आधा रेड बेल पेपर को मैंने चॉप कर लिया है। और सारे चीज़ों को मैंने प्याज के साथ तेल में डाल दिया है। 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम में इसे एक फ्राई कर लेंगे। जैसा मैंने कहा, क्रंचीनेस बरकरार रहना चाहिए, ये पूरा बॉयल नहीं होना चाहिए। इसे हम ढकेंगे भी नहीं, मीडियम फ्लेम भी नहीं करेंगे, हाई फ्लेम में ही 2 मिनट तक इसे हम फ्राई करेंगे। 50% बॉयल होगा, 50% क्रंचीनेस रहेगा इसमें। मैंने इसमें डाल दिया है 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। कलर के लिए है और थोड़ा सा चटपटापन, तीखापन आएगा। ये रेसिपी जो है ये तीखा, खट्टा और मीठा सारे टेस्ट इसमें से आना चाहिए। फ्राई हो गया है, अब इसमें डालेंगे सारे सॉसेस। मैंने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच डार्क सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच विनेगर, 2 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस और 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप। सारे सॉस को प्याज और कैप्सिकम के साथ एक बार अच्छे से हाई फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। भून गया है सॉसेस, देखिए साइड में से तेल निकलना हल्का हल्का स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालिएगा दोस्तों, इससे जो रेसिपी है इसका टेस्ट बहुत एलिवेट होता है और अच्छा भी लगता है खाने में। अब जितना भी फ्राई किया हुआ गोभी का पकौड़े था वो सारे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और जो सॉस और प्याज कैप्सिकम का मसाला रेडी किया था मैंने, सारे चीज़ों के साथ गोभी को मिला लेंगे अच्छे से, टॉस कर लेंगे। और ये एक स्टार्टर रेसिपी है, इसमें कोई ग्रेवी नहीं होगा, इसलिए पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। बस सारे पकौड़े के ऊपर जो सॉस का मसाला है उसका कोटिंग लग जाए तो बस ये रेसिपी जो है ये बन करके रेडी हो जाएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सेजवान चटनी। ये सेजवान चटनी डालने से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, गोभी मंचूरियन खाने में अच्छा लगता है। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके घर में हो तो आप डालिए, नहीं हो तो आप इसे स्किप भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मेरे पास था तो मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया। सारे चीज़ों को मिला लिया मैंने अच्छे से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हनी। लास्ट में यही वाला डालना बाकी रह गया था, और हनी जो है इसे एकदम लास्ट में ही ऐड कीजिएगा, हल्का सा मीठापन आएगा ना तो खट्टा मीठा तीखा सारे टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा।
मैंने शुरू से एंड तक शुगर या जैगरी का इस्तेमाल नहीं किया है। मीठेपन के लिए मैंने बस एक चम्मच हनी का इस्तेमाल किया है। इसमें मीठापन भी हल्का सा आएगा और जो रेसिपी है ना इसके ऊपर एक हल्का सा ग्लेज आएगा, हल्का ग्लेजी लगेगा देखने में ना, तो ये जो रेसिपी है ये जब प्लेटिंग करेंगे ये देखने में भी बहुत बढ़िया लगेगा। खाने के साथ साथ जो लुक है वो भी मैटर करते हैं ना, इसीलिए आप हनी ही डालने का कोशिश कीजिएगा शुगर या जैगरी के बदले में। एकदम लास्ट में गैस ऑफ करने के बाद मैंने कुछ हरे धनिया के पत्ते को अच्छे से धो के पानी झड़ा के ऊपर से चॉप करके छिड़क दिया है। बस मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज में गैस मेरा बंद है, रेसिपी बन के रेडी हो गया है। एक बार अच्छे से चला के मिला लेंगे सारी चीज़ों को और उसके बाद प्लेटिंग कर लेंगे। इसे तुरंत बनाइएगा और तुरंत सर्व कीजिएगा। इसे बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, इसीलिए पहले से बना के रखने का ज़रूरत नहीं है। ये आप बना के ही एकदम फटाफट सर्व कीजिएगा तो पकौड़े जो है वो क्रिस्पी भी रहेगा और गरम गरम सॉस का कोटिंग लग जाने के बाद क्रिस्पीनेस और जूसीनेस दोनों बरकरार रहेगा, खाने में अच्छा लगेगा। इसे आप जितना रख देंगे बनाने के बाद, सर्व अगर लेट से करेंगे तो ये पकौड़े जो है वो एकदम सॉगी हो जाएगा और नरम हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। बाद में अगर आप इसे गर्म भी करेंगे तो भी इसका क्रिस्पीनेस जो है वो वापस नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको ये रेसिपी बनाना है या पार्टी में सर्व करना है फटाफट बनाइए और तुरंत सर्व कीजिए। रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा कमेंट्स में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।